हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू ईस क्लास आज हम पढ़ेंगे बीक्स ऑफ बर्ड बर्ड की जो चोंच होती है उसके बारे में द माउथ ऑफ अ बर्ड इज कार्ड द बीक जो एक बर्ड होता है उसका माउथ होता है उसको क्या बोलते हैं हम बीक इट इज आल्सो कार्ड बिल उसको और क्या बोला जाता है बिल बर्ड्स यूज देयर बीक फॉर ईटिंग डिफेंस फेडिंग यंग वंस गैदरिंग फूड एंड नेस्टिंग मटीरियल बिल्डिंग नेस्ट ट्रेनिंग स्ट्रेचिंग एंड अटैकिंग उन्होंने कहा है जो बर्ड्स हैं वो अपनी बीक का यूज किस लिए करते हैं खाना खाने में डिफेंस मतलब किसी से बचने के लिए फेडिंग यंगम्स मीनिंग अपने बच्चों को खाना देने के लिए गैदरिंग फूड फूड इकट्ठा करने के लिए अपना जो नेस्ट है घोंसला है उसका मटेरियल इकट्ठा करने के लिए और उसको बनाने के लिए स्ट्रेचिंग के लिए अटैकिंग के लिए अटैक करते हैं ठीक है इसलिए वो अपनी बीक का यूज करते हैं क्योंकि वो वो ज्यादा क्या होती है हार्ड होती है बीक्स आर आल्सो यूज टू ड्रिंक होल्ड राइस एंड टीयर फूड जो उनकी बीक है उसका और क्या यूज होता है ड्रिंक करने के लिए होल्ड करने के लिए राइस करने के लिए और टीयर फूड फूड को काटने के लिए दे आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज द शेप ऑफ बर्ड्स बीक डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फूड इट इट जो उनकी बीक की शेप होती है सभी की अलग अलग होती है ना जैसे हमें पैरट की एग्जाम्पल दी हुई है इसकी गुलाई में है न किसी की तीखी होती है वो कैसा भोजन खाते हैं इस पे वो डिपेंड करती है बर्ड डू नॉट हैव टीथ इन साइड देअर बीक क्योंकि बर्ड की जो बीक होती है चौच होती है उसके अंदर क्या है उनके दांत नहीं होते यहाँ पे बच्चों उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स के बारे में बताया हुआ है जैसे उनकी शेप कैसी होती है उसको टाइप को क्या बोलते हैं और अडेप्टेशन वो क्या कुछ खाते हैं और कौन कौन से एनिमल बर्ड्स इसमें आते हैं बर्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स सबसे पहली टाइप है क्रैकर्स सीड ईटर लाइक स्पैरो रॉबिन पीकॉक एंड पिंग हैव शोर्ट थिंक हार्ड एंड क्रॉनिकल बीक फॉर क्रैकिंग सीड्स जैसे हमारे पास चिड़िया होती है पैरट होती है तो पेंगुइन होती है उनकी शॉर्ट होती है छोटी बीक होती है क्योंकि वो क्या है दाना चुगते हैं आगे है श्रेडर्स बर्ड ऑफ प्रे लाइक ईगल हॉक आउल हैव शार्प एंड हुक्ड बीक टू टीयरिंग फ्लैश उन्होंने कहा है जैसे हो गया ईगल हो गया आउल हो गया इनकी शार्प और कर्व्ड बीक होती है ताकि वो अपने भोजन को टीयर कर सके चीर फाड़ कर सके उसकी आगे है चाइजल वुड पीकर हैव बी दैट आर लॉन्ग एंड चाइजल लाइक फॉर बोरिंग इन टू वुड टू ईट इंसेक्ट ये क्या करते हैं वुड पीकर है ये वुड में से इंसेक्ट खाता है तो वुड को अगर चीरेगा तभी तो खाएगा तो इसकी लॉन्ग और शार्प होती है आगे प्रॉप हमिंग बर्ड हुनबर्ड हैव बीक दैट आर लॉन्ग एंड स्लेंडर फॉर फ्लावर फॉर नेक्टर एंड पुल इन टू इनसे फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड ये क्या करते हैं फ्लावर में से नेक्टर इकट्ठा करते हैं इनके लिए इनकी चौंक के होते ज्यादा लंबी होती है आगे है स्ट्रेनर स्वान डक गुज हैोंग एंड फ्लैश बीट देट हैल्स इन साइड इट दीज होल्स ट्रेन स्मॉल प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम द मडी वॉटर उन्होंने कहा है जो स्वान डक और गूज होते हैं इनकी लॉन्ग और फ्लैट होती है और इसमें क्या होता है छोटे चुट छोटे होल होते हैं जो ये छोटे छोटे होल होते हैं ये क्या कर इनमें क्या होता है प्लांट एनिमल जैसे एनिमल हो गए प्लांट से या मडी वाटर से इसमें क्या होता है फंस जाते हैं आगे है स्पीयर बर्ड लाइक हीरोइन किंग फिशर एंड हैव स्पीयर लाइक बीक अडेप्टेड फॉर फ्लैशिंग आ गया है ट्वीज़र। इंसेक्ट ईटर बेबर हैव थिन पॉइंटेड बीक आगे है स्विस आर्मी नाइफ क्रोज हैव मल्टीपर्पज बीक दैट अलो देम टू ईट फ्रूट सीड इंसेक्ट फिश एंड अदर स्मॉल एनिमल जो क्रो होता है कौआ होता है उसकी मल्टीपर्पज होते है बहुत काम करते हैं उसकी बीक जैसे वो फ्रूट्स भी खा सकता है सीड भी खा सकता है इंसेक्ट भी और फिशेस भी खा सकता है और छोटे छोटे एनिमल्स को भी खा सकता है फीट एंड क्लोज ऑफ बर्ड्स इफ वी वांट टू लर्न मोर अबाउट बर्ड्स पे अटेंशन टू द शेप ऑफ देयर फीट उन्होंने कहा है अगर हम बर्ड्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हम, हम उनके फीड्स के बारे में जानेंगे एंड क्लोज उनके पंजों के बारे में वी कैन यूज इट एज वन ऑफ द फीचर ऑफ आइडेंटिफाई बर्ड हम क्या करते हैं इनको बर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं इफ वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द वर्ड यू कैन लर्न मोर अबाउट इट्स बिहेवियर बाय लुकिंग एट द फीट एंड नोइंग अबाउट वेदर इट लिव्स हम बर्ड्स के बारे में ज्यादा जान सकते हैं अगर हम क्या करें उनके बिहेवियर के बारे में भी उनका बिहेवियर स्वभाव कैसा है और वो कहाँ पे रहते हैं आपने यहां तक अच्छे से रीड करना है जो नेक्स्ट पोर्शन रह गया वो हम कल रीड करेंगे आप इसको एक बार रीड कर लेना थैंक यू